वालेकुम। इस वक्त हम लोग कराची के एक अंदरून एक गोठ में आए हुए हैं, जहां हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि लोग पानी कहां से भरते हैं। तो आइए आपको भी हम अपने सफर में लेके चलते हैं। आ जाओ, ये देखो, जल्दी जल्दी आ जाओ। ओह माय गॉड, ये आप देख सकते हैं, ये रोजाना का मामूल है। औरतें, आदमी, बच्चे रोजाना यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं। जल्दी 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 चलो। यहाँ कांटे भी हैं, यहाँ किसी के पैर में यहाँ कांटे वांटे भी लग सकते हैं, बल्कि लग रहे हैं, हमें लगे। ये आप देखें, ये है सामने डैम, दिखाओ। यहाँ से रोजाना पानी भरते हैं आप लोग भाईजान? कौन भरता है, औरतें आदमी? कौन? औरतें तो लोगों को, औरतों को मुश्किलात नहीं होती यहाँ से? मुश्किलात होती है, तुम लोग को देख रहे हैं कितनी मुश्किल। सही बात है। ये क्या है सामने जो है? ये ये समझो डैम जो है, पानी लोड होता है। अच्छा, फिर यहाँ से पानी निकालती है। अच्छा 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 अच्छा, ये मतलब एग्जिट वो है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, खातून यहाँ तैयारी भी कर रही हैं, तब ये गधे पे लेके जाएंगी। खातून को नहीं मिला, मैंने नहीं तेरे को बोला जी, इसको नहीं मिला। और ये आप देख सकते हैं, ये डैम है, यहाँ से पानी भरा जाता है, इसी में जानवर भी पी रहे होते हैं। ऐसा ही है भाई, जानवर भी पी रहे हैं इसमें। हमने देखा था अभी, कुत्ते और दूसरी बकरियां वकरियां सब इसी में पी रही हैं, और इंसान भी इसी में से पी रहे हैं। ये सारे हम लोग इकट्ठे पी रहे हैं। और ये सामने पहाड़ियां हैं बलूचिस्तान की। इसको नहीं मिला यार, इसको थोड़ा। इस वक्त जो पीछे आप मेरे डैम देख सकते हैं, आप ये जरा जूम करके इनको दिखाइएगा, इसी पानी में जानवर भी पानी पी रहे हैं, और इसी में जो है इंसान भी यहीं से पानी भरते हैं। या आसपास के जो सारे गोठ, हम बहुत सारी बात कर रहे हैं कि कोरोना फैल रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें जो आप देख सकते हैं कांटे और कितनी बुरी तरह लोग, रास्ता मैंने आपको अभी दिखाया है, तो इसमें तो हम कह रहे हैं कोरोना फैलता है, ये फैल रहा है वो, यहाँ से कौन कौन सी बीमारियाँ फैल रही है। हमने सोचा यहाँ से हॉस्पिटल भी पता नहीं कितने किलोमीटर दूर है, यहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फजल भाई माड़ीपुर पे आगे आ जाओ, माड़ीपुर पे हॉस्पिटल है, यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से तो आधे घंटे का सफ़र है, मैं ज़्यादा। और यहाँ से मतलब कि ये एरिया कौन सा, एरिया के बारे में थोड़ा सा बता। एरिया जो है ना, अल्लाह बनू के गोट है, ये अल्लाह बनू गांव में 22 गोट्स आते हैं, ये बुरल गोट है, बुरल गोट। तो आगे काफ़ी गोट्स है, हर गोट के अपने अपने डैम है। ये इसी डैम में कुत्ते भी पानी पीते हैं, जो जानवर आते हैं वो पानी पीते हैं, और यही ये पूरा साल यूज़ करते हैं। फिर जब ये खाली हो जाता है, फिर बारिश होती है, फिर ये बढ़ता है, दोबारा यूज़ करते हैं, इस तरह चल रहा है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं भी आप लोग देख रहे हैं पानी ज़ाया हो रहा है, तो उसको मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पानी को ज़ाया ना करें, क्योंकि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और मेरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई ऐसी जगह नज़र आती है जहाँ आप सदक़ा जारिया के लिए कोई वाटर प्लांट या कुछ कर सकते हैं, तो ज़रूर करें, क्योंकि पानी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। शुक्रिया।